दोस्तों जहां मोहम्मद शमी ने अपने गेंदबाजी से सभी को खुश किया, तो वहीं अपनी गेंदबाजी और भारतीय टीम की जीत की खुशी को नहीं मना पाए, क्योंकि जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद मोहम्मद शमी के घर से एक दुखद सूचना सुनने को मिली। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शमी की प्यारी बेटी, जिसे मोहम्मद शमी ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इस खबर को सुनकर मोहम्मद शमी के चेहरे पर खामोशी छा गई है। दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन बॉलर मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मोहम्मद शमी भारतीय टीम के एक खतरनाक बॉलर हैं, जिसका प्रूफ न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 6 ओवर में 18 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए। दोस्तों इन्हीं के बराबर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 108 रनों पर रोक दिया, और इस लक्ष्य को जब भारत ने टीम ने पूरा करने उतरी तो इस लक्ष्य को 20.1 ओवर में आसानी से चेज कर दिया, और इस मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से शानदार जीत मिली। दोस्तों इस जीत के बाद मोहम्मद शमी ने सभी भारतीय फैंस के चेहरे पर खुशी ला दी, मगर दोस्तों मोहम्मद शमी इस जीत से नाखुश हैं, क्योंकि जैसे ही टीम इंडिया ने इस मैच को जीता और जीत की खुशियां मना रही थी, उसी बीच मोहम्मद शमी की परिवार की ओर से बहुत ही दुखद सूचना सुनने को मिली। खबर के मुताबिक मोहम्मद शमी की बेटी, जिससे मोहम्मद शमी काफी ज्यादा प्यार करते थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि इस खबर को मोहम्मद शमी और टीम इंडिया ने सुना तो सभी दुखी हो गए और टीम इंडिया की खुशी गम में बदल गई। उसी दौरान मोहम्मद शमी ग्राउंड छोड़कर अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल चल गई। हालांकि अभी मोहम्मद शमी की बेटी की तबीयत कैसी है कुछ पता नहीं चल पाया है। भगवान से मेरी यही दुआ है कि मोहम्मद शमी की बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।